नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खंडवा रोड स्थित केरल में ढाबे पर रविवार रात हुए विवाद में घायल राधागंज के युवक की सोमवार को मौत हो गई। आरोपियों पर केस दर्ज करने, ढाबा तोड़ने व मुआवजा देने की मांग को लेकर आक्रोशित परिजन ने मंगलवार दोपहर भोपाल चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जाम करीबन 45 मिनट रहा। इस दौरान एबी रोड, मक्सी रोड व भोपाल रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर कई थानों का फोर्स भी पहुंचा। पुलिस अफसरों एवं जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद परिजन माने और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। राधागंज निवासी दीपक पिता, बालमुकुंद पवार, धर्मेंद्र पिता, हिंदूलाल चित्तौड़िया, राहुल पिता, भवरलाल, रोहित पिता, दशरथ द्वेश, अशोक पिता, हरि सिंह चौहान और रवि मुकाती सभी निवासी देवास रविवार रात खंडवा से शिवा बाबा का दर्शन कर लौट रहे थे। रात करीब 10:30 बजे खंडवा रोड पर न्यू सैनी ढाबे पर खाना खाने के लिए यहां रुके। बिल देने गए तो काउंटर पर बैठे कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। इसी बात पर ढाबा संचालक एवं कर्मचारियों ने मिलकर युवकों पर हमला कर दिया, जिससे सभी को चोटें आई हैं। दीपक के सर में चोट लगने से सोमवार दोपहर अचानक उसे चक्कर आया और वो अचेत हो गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। मामले में परिजनों ने बीएनपी पुलिस थाने को शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं सोमवार शाम परिजन सिमरौल थाने पहुंचे थे और केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था। झगड़ा होने से हत्या कर दी गई है। सब परिवार जन और हमारे इष्ट मित्रों की ये मांग थी कि उस ढाबे पर जो घटना हुई है उस पर तत्काल FIR दर्ज हो और उसके ढाबे पर जो कि इतनी बड़ी घटना हुई है इसलिए उसके ढाबा को तोड़ा जाए। मैंने DIG ग्रामीण से बात की है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि FIR भी होगी और उस ढाबे मालिक पर सजा भी दी जाएगी, उसका ढाबा तोड़ा जाएगा। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।